चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाबा महेंद्र सिंह ब्रिगेड साहब, जिन्होंने तमाम उम्र किसानों की आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पर एक लाइब्रेरी बनी, और आज शायद वो बन करके तैयार है। जन नायक जनता पार्टी की तरफ से माननीय महान संत बाबा महेंद्र सिंह ब्रिगेड साहब को नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित इस इलाके के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मनचासीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य अजीत जैन चौधरी जी, माननीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्री राकेश टिकैत साहब, मेरे समक्ष साथ आए जननायक जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर केसी भांगड़ जी, भाई देवेंद्र जी, भाई सचिन जी और सभी मनचासीन सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान नेतागण साथियों, आज महात्मा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के अवसर पर आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर मिला, आपके दर्शन करने का मौका मिला, मैं इसके लिए आभारी हूँ टिकैत परिवार के तमाम साथियों का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित करके मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उत्तरी भारत में चार बड़े किसान नेता रहे, जिनमें दीन बंधु स्वर्गीय सर छोटूराम जी, माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जिन्होंने तमाम उम्र किसानों की आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी और अपने संघर्ष के बलबूते पर किसानों के लिए बहुत कुछ हासिल करने का काम भी किया। 6 अक्टूबर को आज के दिन ही इस सिसौली गांव की धरा पर पैदा हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भारतीय किसान यूनियन की 1986 में स्थापना की, किसानों को संगठित किया और 1986 में बिजली का एक बहुत बड़ा आंदोलन आप लोगों के सहयोग से उन्होंने चलाया, सरकार को उनके दरवाजे पर आकर के उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को यहाँ आकर के नाकरा करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। उसके बाद 1988 में वोट क्लब पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन किया, 14 दिन वो आंदोलन चला। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नतमस्तक होकर के घुटने टेक करके उनके पास जाकर के समझौता किया और उनकी मांगों को मानने का काम। चौधरी देवीलाल जी लगातार चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत साहब के संपर्क में थे, निरंतर जब कभी भी जरूरत पड़ी उन्होंने हर तरीके से उनका सहयोग भी किया, हर तरीके से मदद करने का काम किया, और उस आंदोलन के दौरान भी
मुझे याद है कि लाखों किसान जब वोट क्लब पर बैठे हुए थे, चौधरी देवीलाल हमें निरंतर भेजते थे कि वहाँ जाओ, गुड़ चने दूसरे साधन उन्हें पहुँचाने का काम करो और किसी तरह की कोई दिक्कत उनको ना आए ये प्रयास हो। निरंतर हमने उनके आदेशानुसार प्रयास किए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, 6 अप्रैल को 2001 में चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हो गया। उस वक्त वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनकी मृत्यु के बाद पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की एक सोच थी कि किसान नेता का जो स्थान रिक्त हुआ है वो देश के एक बड़े किसान नेता ही भरने का काम करे, और उसके लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों को पूजनीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के पास भेजा और उनसे गुजारिश की कि चौधरी देवीलाल जी के जो राज्यसभा का स्थान रिक्त हुआ है, हम चाहते हैं कि बतौर किसान नेता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आप पहुँचें और उनकी जगह प्रतिनिधित्व करें। परंतु वो महान संत, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कोई राजनीतिक पद का इच्छुक नहीं, मैं तो किसानों की लड़ाई उनके बीच में वैसे ही लड़ता रहूँगा, उनका सहयोगी और साथी बनकर। वो धन्य है ऐसे व्यक्ति जिनकी इस तरह की सोच थी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, सन 2011 में टिकैत साहब इस संसार से चले गए। निरंतर उनकी पुण्यतिथि और जब भी कोई आयोजन परिवार की तरफ से हुआ, मेरे परिवार के सदस्यों को समय समय पर यहाँ आने का अवसर मिला। पिछले साल भी जो आयोजन किया गया, मेरे अजीज दिग्विजय चौटाला यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ एक घोषणा की थी कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पर एक लाइब्रेरी बने, और आज शायद वो बन करके तैयार है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के साथ मिल करके उस लाइब्रेरी के उद्घाटन का अवसर मिला है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब, जो आपकी बाल्यान खाप के भी अध्यक्ष हैं, टिकैत चौधरी भी हैं, निरंतर परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके बीच में सेवारत हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और अपनी तरफ से जन नायक जनता पार्टी की तरफ से माननीय महान संत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्हें आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।